CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है दूसरी जमात की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम घर और घोंसला। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी, क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं और नर्म नर्म बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चू चू करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा, तुम्हें ये तिनके चुपते होंगे। शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नर्म नर्म परों का बिस्तर बिछा हुआ था, इसलिए तिनके चुभते ना थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, उसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। हाँ भैया, ठीक कहते हो, हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। जरा सोचिए, बहुत से पक्षी घोंसले में रहते हैं और हम घरों में। पता कीजिए कि इनके अलावा और अन्य पशु पक्षियों के घरों को क्या कहते हैं। हमें पक्षियों के अंडों और घोंसलों को हाथ क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में अपने शिक्षकों और बड़ों से पूछिए। और हाँ, अगर हो सके तो अपने बड़ों की देखरेख में आप किसी खुले स्थान पर पक्षियों के लिए पानी भी रख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर और घोंसला। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, परामर्श अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS टोल फ्री नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।